भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मैं एक के घर में भोजन के लिए गया, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी पधारिए, भोजन ग्रहण करिए। मुझे बिठाया गया, माँ रोटी बना रही थी। अब ब्रह्मचारी को तो एक दो ही लोग देते हैं, महाराज थोड़ी है कि लाइन लग रही है। माँ रोटी सेक रही है, बेटी से कहा ब्रह्मचारी जी को भोजन परोसो। बेटी ने भोजन परोसा मेरी थाली में। नमक रखने का समय आया और जैसे ही बच्ची ने नमक रखा, मां की निगाह पड़ी, उसने एक बेलन उसके हाथ में मारा, लड़की का हाथ झनझना गया। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, ये मैं भोजन कर रहा हूं कि यहां तो महाभारत चल रही है। फट से लड़की कुछ ना बोली, ना लड़की रोई ना लड़की चीखी, कुछ नहीं, चुपचाप रही। उसने व्यवस्था बदल दी। आहार के बाद मैंने पूछा, मेरा तो मौन था, मैंने कहा मैं आपके यहां भोजन को आया, आपकी लड़की इतने प्यार से परोस रही थी, आपने उसे बेलन क्यों मार दिया? बोले ब्रह्मचारी जी इस लड़की को मैंने 10 बार समझाया कि थाली में नमक कहां रखते हैं और सब्जी कहां रखते हैं, ये आज फिर भूल गई। तो जब ये समझाने से नहीं समझी तो मुझे बेलन उठाना पड़ा। और आप जानते हैं मैंने एक शब्द भी नहीं बोला और एक बेलन ने नमक कहां रखना चाहिए वहां व्यवस्था इसकी करा दी, अपने आप इसने उठाकर रख दिया। अब इसे जिंदगी भर याद। मैंने कहा इतनी बारीकी, मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है नमक यहां रख दिया यहां रख दिया। बोले महाराज नमक के स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आदमी के व्यवहार में बहुत फर्क पड़ा करता है। मेरी लड़की पराए घर जाएगी, इसे इतना ज्ञान होना चाहिए कि भोजन कैसे परोसा। इतना ध्यान आप देते हैं। जब किसी लड़की की शादी हो ना तो लड़की के पिता से मेरा निवेदन है कि ये मत देखना कि लड़के का खानदान कैसा है, ये भी मत देखना कि लड़के के मां बाप कैसे हैं, और ये भी मत देखना कि लड़के का घर कैसा है, पैसा कितना कमाता है। पड़ोसियों से भी मत पूछना, पड़ोसी तो और सत्यानाश करने को तैयार बैठे हैं। बिगड़ा हुआ लड़का भी हो तो पड़ोसी कहेंगे कर दो यार शादी, कुछ नहीं अच्छा है, शादी के बाद सुधर जाएगा। इनका भी विश्वास मत करना। एक लड़की के पिता का फर्ज हुआ करता है जब अपनी लड़की के लिए वर देखने जाए, लड़का देखने जाए, तो आप क्या देखते? यही तो देखते हो कि मकान कैसा है, आप यही देखते हो कमाता कैसा है, पढ़ा लिखा कितना है, आप यही तो देखते हो ना, और क्या देखते हो बताइए? इसके अलावा और क्या देखे? अजित सेठ क्या क्या एक लड़की की शादी करोगे? जमाल सेठ से पूछ लो क्या करोगे बताए। एक लड़की की जब शादी होगी क्या देखेंगे आप? मकान, दुकान, पैसा, पढ़ाई लिखाई, कितने भाई कितने बहन कितने रिश्ते, इसके अलावा और कुछ देखते हो तो बताओ मुझे, ध्यान रखिए। मैं आज आपको कह रहा हूं, हर लड़की के पिता से कह रहा हूं, यदि लड़की के लिए वर देखने जाओ तो मकान, दुकान, रुपया, पैसा बाद में देखना, और पड़ोसियों से बाद में पूछना कि लड़का कैसा है। सबसे पहले लड़की के पिता को यह देखना चाहिए कि जिस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी के ख्वाब देख रहा हूं, मुझे धन दौलत या परिवार नहीं देखना, मुझे देखना है उस बच्चों की, उस लड़के की संगति कैसी है, उसका दोस्त कैसा है, उसका मित्र कैसा है। एक बात याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे मां बाप की अच्छी औलाद हो। मां बाप को देखकर लड़के का निर्णय मत ले लेना, दुकान को देखकर लड़के का निर्णय मत ले लेना। एक बात याद रखना, सबसे पहले देखना चाहिए उस लड़के के दोस्त कैसे हैं, क्योंकि हकीकत तो यही है जैसे मित्र होते हैं वैसा ही चरित्र हुआ करता है, जैसे दोस्त होंगे वैसे लड़के। बार बार लाइट क्या हो रहा है, सही करिए इसको, बंद चालू हो रही, समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिशियन कौन है? लाइट को सही करिए, हो गया।
हो गया बैठो, तुम्हारी उठती धरती हिल जाती है भाई। आदमी वैसा नहीं होता जैसे माता पिता होते हैं, आदमी वैसा नहीं होता जैसे भाई बहन होते हैं, आदमी वैसा नहीं होता जैसे पड़ोसी होते हैं, आदमी होता है जैसा उसके मित्र हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, लोग कहते हैं कि जैसी संगति वैसी मति हुआ करती है। ध्यान रखना, जैसी दोस्ती वैसी जिंदगी, जैसे दोस्त जैसे मित्र वैसा चरित्र। ध्यान रखिए, कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में, कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में, बिक रहे थे खुलेआम रिश्ते बाजारों में, हमने पूछा कांपते ओठों से क्या भाव चल रहा है रिश्तों का बाजारों में। दुकानदार ने कहा कि हुजूर कौन सा रिश्ता खरीदेंगे, हर रिश्ता बिक रहा है बाजारों में, कौन सा रिश्ता खरीदेंगे। माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, धर्म का रिश्ता, बताएं कौन सा रिश्ता खरीदेंगे आप। हम कुछ देर मौन रहे और हमने कहा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव है, हमने कहा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव है। दुकानदार ने नजरें झुकाई, आंखें भरी और उसने कहा हुजूर ये रिश्ता बिकाऊ रिश्ता नहीं हुआ करता है, ये रिश्ता बाजारों में नहीं बिका करता है, और जिस दिन ये रिश्ता बिक जाएगा उस दिन सारा संसार उजड़ जाएगा, ये जीने रहने लायक नहीं रह पाएगा। ध्यान रख, दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिकता है। एकाकी जीवन कब तक जिएगा आदमी, किसी ना किसी साथी की जरूरत जरूर पड़ा करती है। जिंदगी में जीने के लिए एक साथी की जरूरत जरूर हुआ करती है, एक मित्र की जरूरत होती है। जिंदगी के सफर में चलते चलते अचानक किसी मोड़ पर किसी अजनबी से मुलाकात हो जाती है और वो अजनबी इतना अपना लगने लगता है जितना शायद कभी अपने भी अपने नहीं लगते हैं। ध्यान रखें, दोस्ती का रिश्ता। एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, दुनिया में तीन चीजें हैं, जिंदगी को जीने के लिए तीन लोगों की आवश्यकता पड़ती है। एक पत्नी की, पत्नी बिना जी नहीं सकते हो। एक बात ध्यान रखना, नारी तो बिना पत्नी के जीवन आसानी से गुजार दे, बिना पति के जीवन गुजार देती है, लेकिन पुरुष का बुढ़ापा बिना पत्नी के सबसे बेकार हो जाया करता है, उसके लिए बोझ हुआ करता है। बुढ़ापे में पुरुष बिना स्त्री के जी नहीं सकता है। एक पत्नी के रिश्ते की जरूरत होती है संसार में, इस दुनिया में। औलाद की जरूरत होती है इस दुनिया में। और एक रिश्ता और होता है, दोस्ती की जरूरत होती है इस दुनिया में हर व्यक्ति को। ध्यान रखना, मगर समझ लेना इन तीन रिश्तों को, बड़ी गहराई से समझना। अच्छी पत्नी का मिलना, अच्छे पुत्र का होना और अच्छे दोस्तों का मिलना, ये नसीब की बात हुआ करती है। ध्यान रखना, किस्मत वाला होता है जिसे अच्छी पत्नी प्राप्त हुआ करती है, किस्मत वाला होता है जिसकी संतान अच्छी हुआ करती है, और किस्मत वाला होता है जिसे अच्छी संगति प्राप्त हो जाया करती है। ये पुण्य का उदय, ताली बजा दो अच्छी पत्नी बोल, नहीं तुम बर्दाश्त नहीं है तुमको, है ना। ध्यान रखना, यानी आज तुम्हें मजा आ गया कि किस्मत वाले हम मिल गए हैं। ध्यान रखिए,
किस्मत से मिलती है, नसीब से मिलती है अच्छी पत्नी, नसीब से होती है अच्छी औलाद, और नसीब से मिलते हैं अच्छे दोस्त हमारी जिंदगी में। ध्यान रखिए मान्यवर। पर एक बात थोड़ी मजे की है, पत्नी को लाने के लिए परिवार जिम्मेदार है। पत्नी कैसी हो इसका चयन परिवार करता है। ध्यान रखिए, पत्नी कैसी होना चाहिए हमारे हाथ में नहीं, ये परिवार और रिश्तों के हाथ में है। औलाद कैसी होना चाहिए ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति की देन है। ध्यान रखना, मुसलमान हो तो अल्लाह की देन है, हिंदू हो जैन हो तो प्रकृति की देन है। ध्यान रखिए, अच्छी पत्नी लाना परिवार के हाथ में है, अच्छी औलाद पैदा होना ये प्रकृति और किस्मत के हाथ में है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो बारामती वालों, कि पत्नी के लिए, पत्नी को लाने में परिवार का हाथ होता है और बच्चों को आने में प्रकृति का हाथ होता है, लेकिन दोस्त को लाने के लिए प्रकृति का हाथ नहीं होता है, इसमें परिवार का साथ नहीं होता है। दोस्त का चयन तो हम खुद ही किया करते हैं, हम खुद स्वतंत्र होते हैं दोस्त बनाने के लिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसका चयन हमें ही करना है, हमें ही दोस्त बनाना है। ध्यान रखना, हम स्वयं अपने विचारों से अपने दोस्त बनाते हैं। ध्यान रखिए, हमारे जैसे विचार होते हैं वैसे दोस्त मिल जाया करते हैं। सोचना है, दोस्त का चयन बड़ी सोच समझ के करना। गलत दोस्ती कर ली तो मां बाप को जिम्मेदार मत बनाना, गलत दोस्ती हो गई तो बच्चों को जिम्मेदार मत मानना, गलत लोगों की संगति हो गई तो परमात्मा को दोष मत देना, ये दोस्त तुमने खुद बनाए हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, दोस्त हम ही बनाते हैं। संस्कारों का, मैं ब्रह्मचारी था अहमदाबाद में, 93 की बात है,